INDIA गठबंधन में खूब घमासान चल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव जैसे ही घोषित हुआ, जितने गठबंधन की हवा भरने वाले लोग थे कि हम एक हैं, हम लोग एक लड़ेंगे, हम 2024 में मोदी जी को हराएंगे, ये सारे दम भरने वालों का दम ही निकल गया। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नहीं देखना चाहती और कांग्रेस समाजवादी पार्टी को नहीं देखना चाहती है। लालू यादव जी की पार्टी जो है कांग्रेस को नहीं देखना चाहती है और कांग्रेस लालू जी की पार्टी को नहीं देखना चाहती। ममता बनर्जी कांग्रेस को नहीं देखना चाहती है, कांग्रेस ममता बनर्जी को नहीं देखना चाहती। तो ये पूरे प्रदेश और देश में जिस तरीके से ये गोल बना करके ये हाथ उठव्वल चल रहा था और हाथ मिलव्वल कहानी चल रहा था, उसमें अब दरार दिख रहा है और ये उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में दिखने लगा है। और चुनाव नजदीक आते आते, जैसे अभी मध्य प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतार रही, गठबंधन धराशायी हो गया। तो ऐसे ही जैसे नजदीक चुनाव आते हैं, गठबंधन चुनाव से पहले हाथ उठव्वल होता है, फिर उसके बाद गठबंधन जैसे चुनाव घोषणा हो जाता है गठबंधन बिखर जाता है। तो 2024 आते आते ये INDIA बिखर जाएगा और NDA गठबंधन पूरी मजबूती के साथ NDA सरकार बनाएगा और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ अपने विकास के साथ, अपने विजन के साथ और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के विचारधाराओं के साथ, योगी आदित्यनाथ जी के नीतियों के साथ हम जनता के बीच में अपने विकास यात्राओं को लेकर जाएंगे और पुनः हम लोग 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। और विरोधियों को इस बार देश की जनता जवाब देगी कि आप सनातन का विरोध करेंगे, हिंदुओं को अपमानित करेंगे और पूरे देश में आप विकास को आप ठुकराने का काम करेंगे। आप CBI ED और इनकम टैक्स से आप डर करके सिर्फ अपने जान को बचाने के लिए एक गोलबंदी बनाएंगे, तो अब देश की जनता समझ गई है भ्रष्टाचारियों को अब पनाह नहीं मिलेगा और देश में विकास चलेगा और विकास की यात्रा के साथ जनता चलेगी।